it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. उन लोग का जाना है वेडसपुरा साइकिल के दुकान में, वो चेन नहीं रिपेयरिंग करके लाना है, ऑटो करके जाना है पापा। हाँ ठीक है, तुम्हारा पापा को आने दो, ठीक है। Happy families with you, but I like having you around. Papa, fully balong karet. This is a flash in the pan. Hurry up, chika, ruko. Bartun dhoke tumko pani denge. Haan, garam karna hai pani. Thanda pani mat pina, thik hai? Ruko, main aati hoon. Ho gaya mera. Ab thoda sa hai. Hello, bartun udhar rakho. Tum bhook nikalo, chalo. भूख तुम्हारा छोटा वाला टेबल लेकर आओ, मेरा हो गया। देखो मैं क्या कर रही हूँ फ्रेंड्स, अभी वो रात को ये कच्चा चावल भिगो के रखा, भिगो के रख के बाद अभी सुबह धूप में डालना है। ये दुपट्टा के ऊपर ऐसा फैला रहे, मैं धूप में दो घंटा तक रखूंगी, जब तक ये पानी सूख जाएगा चावल से, उसके बाद मिक्सर ग्राइंड में फ्रेंड करूंगी। मिक्सर ग्राइंड में पीस के उसके बाद छाननी से छानना है, थोड़ा थोड़ा करके पीसना है और छानना है। उसके बाद मालपुआ, चितुई और पाटी साप्ता, जो कुछ भी आपका मर्जी बना सकता, तो अभी मैं धूप में डालूंगी। पूरा भीग का है, खाली वेट करना है अभी ये पानी सुखाने के तक, बस क्लोज मारी। क्लोज मारी तो चावल पीस के अभी इतना हुआ, और आधा नहीं हुआ, सख्त हो गया होगा ये, और आधा है सूजी का तरह, आधा नहीं थोड़ा सा है, इतना है ये, बाद में फिर पीसना है, अभी खाना पकाना है। तो देखो ये इतना हुआ आटा, चावल का गुरी बोलता है आटा, क्या बोलता है मालूम नहीं आप लोग क्या बोलता है। अभी धूप में डालना है, सुखा के स्टक करके रखना, स्टक करके आपको जब भी मन करेगा वो मालपुआ छीते बना के खा सकता। छाद नहीं है, एक टैंकी है पानी का टैंकी, इसके ऊपर डाल रही मैं। उड़ जाएगा क्या मालूम नहीं, ये थोड़ा क्या में डाल है एक साइड में, बस क्या पकाना आज समझ में नहीं आता, शाक है देखूं, कल तो पनीर बनाया।
हो गया, रुको आती हूँ मैं। क्या लग रहा है पापा? देख के लिख रहे ना, ऐसा लिखो, बुक बंद करो, तुमसे तो आता है ना, बुक बंद करो, मैं नाश्ता बना रही हूँ इधर। चावल का सूजी खाएगा तो पापा आज? हाँ बोलो। हाँ। खाएगा? हाँ, ठीक है, बुक बंद करो पापा, बंद करो, होगा ठीक है, तुम जल्दी लिख लो। हाँ। तुम्हारा नाश्ता रेडी हो गया। जल्दी लिखो। तो मेरा नाश्ता रेडी हो गया, देखो इधर रेडी हो गया नाश्ता, मेरा पिठा भी रेडी हो गया, अभी नाश्ता करना है। देखो बाप रे, जितना ठंडी गिर रहा है उतना बाहर में धूप है, चलो दिखाऊंगी कितना धूप, देखो बाहर में, बाप रे बाप, बहुत धूप है आज। मम्मी देखो। रुको, बहुत धूप है बाहर, जितना ठंडी गिर रहा है उतना ही धूप है। देखो वो उधर चावल डाला मैं, इधर वो टैंकी है ना, देख रहे हैं, उसके ऊपर चावल का आटा डाला, उधर छत नहीं, एल्वेस्टर का घर है, क्या करना, बहुत धूप है आज, धूप में खरना है अभी। देखो क्या पापा? हाँ। देखा, वाव, जाइलोफोन याक ज़ेब्रा तक लिखा, अच्छा ही हुआ पापा, कितना अच्छा लिखा मेरा पापा, काइट, लायन, क्वीन, रैबिट, शीप, अम्ब्रेला, भैन, वॉच, जाइलोफोन, याक, ज़ेब्रा, गुड जॉब, चलो पापा और दूसरा लिखोगे, चलो बैठो 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 बैठो। ये कौन सा झाड़ मालूम है? ये मालूम नहीं है क्या बोलते हैं, इन लोग इधर लगाता है, ओ छाया के लिए लगाते हैं, हमारा बाजू में हुआ है, देखो ये कौन सा मालूम है, मुझे पहचानता है लोग, देखो अच्छा लग रहा है झाड़ ऐसा वाला। माँ पत्ता, पत्ता छिल दिया। क्यों पत्ता तर रहा है? नहीं तरना पापा, चलो ये भेज डाल बनाना है, तो दाल और टमाटर और बीन्स आलू ये वो डाल के एक वेजिटेबल दाल बनाना है, तो चलो साथ में रहो, मैं अभी खाना पकाऊंगी। अभी शॉर्ट वीडियो बना के किचन में आया, देखता हूँ क्या बनाऊंगी। साग तो कट करके रखा है इधर, पूरा साग कट करके रखा है, देखो ये साग है, कौन सा मालूम नहीं, भाजी बनाना। और देखो बेबी क्या कर रहे है, डेली काटता है, डेली उधर से प्याज ले रहा है, देखो अपना अपने नहीं काटने नहीं देगा तो वो रोता है, गुस्सा करता है। देखो आलू कट रहा है, छोटा छोटा आलू लेके काट रहा है, छिल रहा है, छिलना से छिल रहा है, ये बदा है उसमें कुछ भी नहीं है। तो मुझे अभी खाना बनाना है, तो चलो खाना बना रही, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। एक दाल अभी गैस में चढ़ाया, वो टमाटर दाल बनाना है आज, खट्टा दाल, ठीक है। चलो अभी 12 बज गया, लेट हो गया, शॉर्ट वीडियो वो अपलोड होता नहीं बोल के लेट हो रहा है। टमाटर 3 है, टमाटर देना और अंडा ऑमलेट करना, बस उतना ही। तो देखो मेरा वो साग बॉयल हो गया, अभी बागर देना है प्याज लहसुन और एक देर हरी मिर्च गया, मेरा साग अभी इधर दाल टमाटर दाल बॉयल हो गया, अभी बागर देना है। रखो इधर रखो पापा, पीछे पीछे गए ना, एक का पीछे। तुम मूरी खाएगा अभी? मूरी तो खाता नहीं, खाएगा? चलो ये हो गया, अभी करना है दाल बगर देना, अभी दाल बगर देना है। देखो इधर टमाटर दाल और मेरा बेबी छिला ना, ये आलू गोटा गोटा खाएगा, हल्दी नहीं डाला, एक सूखा मिर्ची डाल के, गोटा वाला डाल के, लहसुन डाल के बगर देना, बस सूखा मिर्ची कहाँ।
देखो एक सूखा मिर्ची आधा करके दिया करके, बेबी खाएगा ना इसके लिए मुश्किल। दाल का अंदर प्याज टमाटर देख के ये उबाई कर लिया पूरा। रुको एक मिनट, रुको पापा रुको, हो गया। हल्दी नहीं डाला ये दाल में, कभी कभी डालते हैं कभी कभी नहीं। रुको एक मिनट रुको, तो खाली लहसुन और सूखा मिर्ची को एक मिनट, बस हो गया। नमक नहीं डाला, नमक डालना है भाई, तो हो गया। नमक डाल के उबलने के बाद हो जाए। देखो दाल हो गया बिना हलुद, हलुद नहीं डाला इसमें आज, टमाटर और दाल और गोटा गोटा छोटा छोटा आलू अभी बिछिला उसके लिए वो खाएगा बोल के, और चावल इधर चढ़ा दिया। खाना पीना मेरा बन गया, अभी दूसरा काम नहाना है खाना है। फ्रेंड्स, बेंगलुरु में जो लोग जिन लोग रहते हैं उन लोग को ही मालूम है ये यहाँ पे कितना खर्चा आता है। दोनों एक साथ में कमाता है तो अच्छा होता है, ये अकेला कमाने से कुछ भी नहीं होगा। हस्बैंड वाइफ जो लोग कमा रहा है उन लोग का थोड़ा बचता है, हम लोग को कुछ भी खाना पीना करके कुछ भी बचता ही नहीं। और भी 365 दिन काम नहीं होता, जो होता है उसका पूरा पैसा नहीं मिलता है, और हर चीज़ का ज़्यादा रेट है हर चीज़ का। वो अभी टमाटर का 30 रुपये है केजी, वो आलू प्याज ज़्यादा महंगा है सब कुछ, दाल है वो, और मछली चिकन मटन हो तो छो सके नहीं, इतना रेट है। हम लोग तो उतना मछली कब खाया याद ही नहीं आ रहा, और कितना 4-5 महीना हुआ मछली खाया, चिकन खाते हैं हफ्ते में, और यहाँ अंडा तो डेली डेली एक एक दिन छोड़ के तो अंडा ज़्यादा ही चलता है हम लोग का, और दूसरा चीज़ का ज़्यादा रेट है ना। सब्जी भी बहुत महंगा है, बहुत महंगा। जिन लोग रहता है बेंगलुरु में उन लोग को ही मालूम है, तो क्या बोलो क्या करो। बेटा को लेकर भी टेंशन हो गया, कोरोना की वजह से तो किसी को एडमिशन नहीं किया ऑनलाइन में, पढ़ा रहा है अभी स्कूल से, तो मेरा बच्चा को तो उतना उम्र नहीं हुआ, अभी एडमिशन को टाइम आ गया, उस टाइम नहीं हुआ अभी आ गया, वही टेंशन हो रहा है अभी। तो चलो हमारे साथ में रहो, और थोड़ा बात करके आप लोग से थोड़ा फ्री होना, फ्री होगा मुझे अच्छा लगेगा। फ्रेंड लोग से शेयर करने से अच्छा ही लगता है सब कुछ। आप लोग जैसा सपोर्ट कर रहे तो आप लोग से सभी बात मैं शेयर करूँगी, ठीक है। धीरे 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 बहुत बात है, बहुत शेयर करूँगी, तो चलो बात और भी होगा। मेरा बेबी सो गया अभी, इधर धूप पड़ रहा है, तो मेरा बेबी इधर सो गया, उसको अभी सोला दिया। अभी तो टेंशन हो गया, इतना दिन तो टेंशन नहीं था, अभी बेबी बड़ा हो रहा है, एडमिशन का टाइम आ गया। अभी इधर बहुत फीस लेता है, मिनिमम 50,000 इसका पढ़ाने के लिए, मिनिमम एक स्कूल में साल में 50,000 लेता है, महीना महीने में तो वो तो है ही, फंक्शन कुछ भी है। तो अभी टेंशन हो गया, इनको एडमिशन कराना है, घर का रेंट 5,000 और करेंट बिल 800-900 आता है हर महीना में, तो कितना खर्चा आता है बेंगलुरु में जिन लोग रहते हैं उन लोग को मालूम है। तो अभी बहुत टेंशन में है, बेबी को एडमिशन कराना है, क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। काम वाम उतना नहीं है, जो काम करता है उतना ही, वो काम का ही पूरा पैसा नहीं देता, खाली 1,000-2,500 करके ऐसा करके बिल्डर्स देता है।
तो देखो इधर बेबी सोया है, क्या करो क्या बोलो समझ में नहीं आ रही। इस महीने का उसका पापा आएगा, दो तीन दिन का बीच में हो गया, तबीयत खराब था, वो काम पे नहीं गया, अभी एक हफ्ता हो गया, क्या लेट हो गया, डीलर्स इंजीनियर छोड़ता नहीं, अभी काम है बोल के आटोक दे, उनको पैसा भी नहीं दे रहा है। तो बेबी का एडमिशन करना है, उनका पापा आएगा तब कौन सा स्कूल में एडमिशन हो रहा है, कितना लेगा, वो पूछना है, जाना है। अभी पहले तो अच्छा ही था, अभी तो टेंशन हो गया। एक साल में 50,000 मिनिमम और मैक्सिमम उससे ज़्यादा 1,80,000-90,000 ऐसा स्कूल है, तो उतना बड़ा स्कूल में हम लोग तो पढ़ा सक नहीं। वो छोटा मोटा स्कूल में जिसमें 40 में नहीं होगा, 50 मिनिमम 50,000 लेगा, तो इनको एडमिशन कराना है। आप लोग साथ थोड़ा शेयर कर रही, नहीं थोड़ा हल्का लग रहा है, तो देखेंगे क्या करना। हम लोग बच्चा को तो एडमिशन करना ही पड़ता है ना, पढ़ाना है। वो कोरोना का वजह से अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है क्या, मच्छर कट रहा है, क्लास चल रहा है क्या, वो स्कूल में पढ़ा रहा है वो मुझे पता नहीं क्या करेगा। तो और क्या बोला, आप लोग जैसा मेरे साथ में है ऐसा ही रहना, ऐसे सपोर्ट करते रहो। और मैं भी थोड़ा सोएगा, आज नींद आ रहा है, तो थोड़ा आधा घंटा एक घंटा सो के फिर उठना है। मच्छर काट रहा है बेबी को, मच्छरदानी लगाना है। और नेटवर्क का तो प्रॉब्लम है ही, वो अपलोड होता ही नहीं, वीडियो शॉर्ट वीडियो जो कुछ भी ब्लॉग बनाते हैं वो भी अपलोड नहीं होता। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरे साथ जैसे है ऐसा ही रहना है, आज ज़्यादा नहीं बात करना। तो आज का बात यहाँ तक ख़त्म करती हूँ मैं, एंड करती हूँ। तो आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट जैसे कर रहे हैं ऐसा ही करना है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल बटन दबा देना, ताकि आप लोग को पास नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी पहुंच सके। बाय बाय फ्रेंड्स, ऑल फ्रेंड्स बाय बाय।